यहाँ वहाँ कहाँ। इस उपन्यास के लेखक हैं राजेश कुमार, तमिल के हैं, और इन्होंने 2000 जो है 50 वर्षों में इन्होंने 2000 उपन्यास कहानियां लिखी। बाद में जो है 1500 इन्होंने उपन्यास भी लिखे और भी लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं। तो इनके जो है नाम भी गिनीज बुक के लिए भेजा गया है। इनने जो है एक बार आप इनके उपन्यास को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उसको पूरा किए बिना रख नहीं सकते, चाहे उनकी कहानी हो चाहे उपन्यास हो। तो ये दोनों ही उनके इस तरह का है, इसीलिए इनके उपन्यास की ऐसी उत्सुकता की वजह से ये तमिलनाडु में सभी लोग इनके उपन्यासों की बहुत ज्यादा मांग है। जैसे ही प्रकाशित हुआ तुरंत हाथों हाथ बिक जाता है और लोग बड़े वो उसमें रहते हैं कब छपे और कब हम पढ़े। तो इन्हीं उपन्यासों की जैसे मुझे भी शौक है पढ़ने का, मैंने भी पढ़ा था यहाँ वहाँ कहाँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इस अच्छे कहानियों से हमारे हिंदी के पाठक को वंचित नहीं रहना है, उनका भी रसा स्वादन इसका होना चाहिए। यह सोचकर मैं एस भाग्यम शर्मा ने इन कहानियों का हिंदी में उपन्यासों का ये यहाँ वहाँ कहाँ का हिंदी में अनुवाद किया। इसमें क्या कहानी है, एक आदमी के युवा लड़का आत्महत्या कर लेता है। उसने क्यों किया कैसे किया ये कुछ भी पता नहीं चलता है, परंतु वह एक पत्र लिख जाता है। पत्र में क्या लिखता है कि मैं जो है आत्महत्या मेरे अपने पापा को लिखता है। घर पर उसका पत्र रहता है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और ऊपर आत्महत्या करने के लिए भी कहाँ एक उजाड़ सा जो बन रहा है और कई सालों से बंद पड़ा था उस बिल्डिंग को चुनता है और उसके सबसे ऊपर जाकर अपने घर से काफी दूर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर वहां जाकर ऊपर छत से गिरता है और मर जाता है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। और पत्र में ये लिखता है कि मेरी एक प्रेमिका थी, मैंने सोचा आपसे कह के उससे मैं शादी करूंगा, हम दोनों बहुत तैयार थे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, परंतु अचानक उसके पापा ने कहा तुम जिस लड़के से मैं कह रहा हूँ शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो वो अपने पति को अपने पापा को बचाने के लिए वो जो है उससे शादी कर लेती है। इसलिए ये लड़का भी उसकी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता, मैं मर रहा हूँ, ऐसे कह दिया। अब क्या करें, ये क्यों मरता है क्या है ये बात समझ में नहीं आती है। पुलिस भी इसको आत्महत्या समझती है, परंतु क्या होता है कि विदेश से शोधकर्ता आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को जो आते हैं वो छिपाना चाहते हैं, और इस आत्महत्या का उन लोगों से क्या संबंध है, ये सब आप जानना चाहेंगे। और ये सब जानने के लिए ये इंटरेस्टिंग उपन्यास को आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आप जो है इसे मातृभारती में डाउनलोड करके पढ़ोगे। और मातृभारती को ऐप को डाउनलोड आप मोबाइल पे कर सकते हैं और करके आप जब चाहे जब पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, पढ़ के आप राय दीजिए अपना।